हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं CDP के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो लगभग हर CTET एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो की आज के पहले प्रश्न से। वाइगोस की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? नैतिक, शारीरिक, सामाजिक, अनुवांशिक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र है। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है? विद्यार्थी, सत्ता, शिक्षक, संरचना। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा का केंद्र विद्यार्थी होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव है, संशोधन है, विस्तार है और प्रसार है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा गया कि सीखना एक तरह के व्यवहार का बचाव, संशोधन, विस्तार और प्रसार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखना क्या है? व्यवहार में विस्तार है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहार पर निर्भर इस सिद्धांत का डैश डैश अधिगम के सिद्धांत से है। संज्ञानात्मक, विकासात्मक, व्यवहारात्मक और निर्णयात्मक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अधिगम पूरी तरह एवं मात्र अवलोकनात्मक व्यवहारात्मक पर निर्भर इस सिद्धांत का संबंध डैश डैश किससे? व्यवहारात्मक अधिगम के सिद्धांत से है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? हमने इन जोड़ों में से पहचान करनी है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। समतात्विक सिद्धांत थोंडाइक और सामान्यीकरण सिद्धांत CH जुंड, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत कोलबर्ग और विशिष्ट एवं सामान्य तत्वों का सिद्धांत स्पीयरमैन। तो दोस्तों बाकी तो ये तीनों जोड़े क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ सही हो जाएंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 क्या नहीं है, ये वाला जोड़ा सही नहीं है और इसलिए हमें नहीं पूछा है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, जब पूर्ववर्ती अधिगम नई स्थिति में सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है तो यह कहलाता है अधिगम का सकारात्मक अंतरण, अधिगम का निरपेक्ष अंतरण और अधिगम का नकारात्मक अंतरण और अधिगम का शून्य अंतरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है, पुनर्बलन या सुदृढ़ीकरण का प्रकार जो विलोपन की धीमी गति उत्पन्न करता है। तो दोस्तों निरंतर सुदृढ़ीकरण, निश्चय अनुपात सुदृढ़ीकरण और निश्चित अंतराल सुदृढ़ीकरण और चर अनुपात सुदृढ़ीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, प्याजे के अनुसार या प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समायोजन, स्कीमा, समावेश और
प्रत्यक्षण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समायोजन, जिसमें क्या किया जा रहा है, संज्ञानात्मक संरचना का संशोधन किया जा रहा है, संशोधित किया जा रहा है, तो दोस्तों वो कहलाता है क्या, समायोजन कहलाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है। तो दोस्तों हमें प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, इसमें बताया गया कौन से अच्छे स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं है। नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता और आत्मविश्वास, सहनशीलता और बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। और अगला है दोस्तों वास्तविक स्वीकृति, स्वयं मूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, हमें पूछा था प्रश्न में कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 बहुत विनीत और स्वयं में क्या है, सीमित। तो ये क्या हो जाएगा, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया गया किसके द्वारा। गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों के द्वारा, पावलोव द्वारा और जीन पियाजे द्वारा और वाइगोस्की द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, और सेकंड है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुच्छेद। तो दोस्तों इसमें पूछा गया केवल प्रस्तावित पाठ्य, जिस भी प्रश्न या जिस भी ऑप्शन में क्या है केवल या एक ही इस प्रकार का आपको दिख जाता है, तो वो क्या है, आपके ऑप्शन के अर्थ को समेटने की कोशिश करता है। तो ऐसे ऑप्शन आप पहले ही क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और अगला है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तो दोस्तों प्रगतिशील शिक्षा की ये विशेषता नहीं है कि सिर्फ आप अच्छे नंबर ला दो तो आप प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता के अंतर्गत ये नहीं आने वाला है। और अगला है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं, तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए विद्यार्थियों में व्यवहारिक कुशलता का विकास करना, और सेकंड है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, और अगला है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, और लास्ट है व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तो दोस्तों ऐसे तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमें इनमें से क्या सबसे सही देखना है, सबसे सटीक आंसर देखना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, हमें सबसे सटीक उत्तर मिल गया है ऑप्शन नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा और इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, ये आज के लिए सेकंड लास्ट प्रश्न हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। बाल्यावस्था में किस विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उत्तरदायित्व की अनुभूति और ईमानदारी, सहभागिता और आज्ञाकारिता। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली डैश डैश की ओर संकेत करती है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जानने वाली विषय वस्तु, और सेकंड है
विद्यार्थियों का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, और थर्ड है मूल्यांकन प्रक्रिया, और फोर्थ है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि शिक्षार्थी क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली का डैश डैश अर्थ क्या है या किस ओर संकेत करती है, तो विद्यालय की संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे शिक्षार्थी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।